हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स ट्रेलर में। दोस्तों आज हम बात करें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है यहाँ पे साइंटिस्ट की पोस्ट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो CSIR इमटेक है उसने जो है साइंटिस्ट की पोस्ट की वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबमिशन ऑफ ऑनलाइन की जो स्टार्ट डेट है वो 4 जनवरी 2021 को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करने की वो रहेगी 15 फरवरी शाम के 5 बजे तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो CSIR का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, जो कि वन ऑफ द रेपुटेड इंस्टीट्यूट है CSIR का। तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च होती है, चाहे वो मॉलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी में, चाहे माइक्रोबियल जेनेटिक जीनोमिक्स, होस्ट माइक्रोब इंटेक्शन, तो ऑलमोस्ट जितने भी फील्ड हैं उन सब में जो है यहाँ पे रिसर्च ऑलमोस्ट कंडक्ट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइंटिफिक पोजीशन को निकाला गया है। तो यहाँ पे जो है आपका जो एक्सेलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और आपका जो है अच्छे अच्छे जनरल पेपर होने चाहिए, तब आपको यहाँ पे जरूरी प्रेफरेंस दिया जाएगा साइंटिफिक पोजिशन के लिए। तो अगर बात करें यहाँ पे पोस्ट की, तो देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो आपको 67,700 से 2,87,000 का मिलेगा। और यहाँ पे देखिए पे लेवल 11 रहेगा और जो एज लिमिट है वो 32 ईयर्स के। इसके अलावा आपका PhD यहाँ पे एनी ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस से MD विद एक्सपीरियंस माइक्रोबायोम रिसर्च और माइक्रोबियल जीनोम सीक्वेंस एनालिसिस। तो यहाँ पे देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी मेंशन किया रखा है और साथ ही साथ डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे दे रखा है। साथ ही साथ इन्होंने एक अच्छी बात यह कि आपको यहाँ क्या काम करना वो भी यहाँ मेंशन कर रखा है, यानी कि जॉब स्पेसिफिकेशन और की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट भी मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पोस्ट कोड 01 है वो अनरिजर्व में 1 है। वहीं अगर बात है पोस्ट कोड 02 की, तो यहाँ पे अनरिजर्व में 1 है, EWS कैटेगरी में 1 है। ऐसे पोस्ट कोड 03 यहाँ पे OBC में 1, SC में 1, ST में 1। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट कोड के लिए यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। तो यहाँ पे देखिए 3 वैकेंसीज हैं, एक तो साइंटिस्ट की टाइप है, दूसरा है आपका सीनियर साइंटिस्ट और तीसरा है वो आपका प्रिंसिपल टाइप साइंटिस्ट। तो यहाँ पे 3 टाइप की साइंटिस्ट की पोस्ट को निकाला गया है। वहीं प्रिंसिपल साइंटिस्ट में सबसे अच्छा पे ग्रेड आपको मिलेगा वो जो कि 1,23,100 से 2,15,900 होगा। यहाँ पे एज लिमिट ऑफ 45 ईयर्स है। मतलब सीनियर साइंटिस्ट की बात करें वहाँ यहाँ पे 78,800 टू 2,09,200 और यहाँ पे जो एज लिमिट 37 ईयर्स है। और यहाँ पे अगर आप आपके साइंटिस्ट की, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 67,700 टू 2,08,700 यहाँ पे जो आपका पे स्केल यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना ब्रीफ CV बनाना है जो भी आपका 2-3 पेजेस में हो A4 साइज पेपर में, और आपको वहाँ पे अपना विजन और आइडियाज लिखना है या आपका जो रिसर्च प्रपोजल वो लिखना है जो कि आप जो एमटेक में आके करेंगे अगर आपका सिलेक्शन होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 3 अपने अपलोड टेस्टिमोनियल्स जो भी हैं वो अपलोड करने हैं ऑनलाइन फ्रॉम 3 रिसर्चर हुआ फैमिली है तो दे रिसर्च हो, यानी कि यहाँ पे आपको 3 रिकमेंडेशन भी यहाँ पे आपको अपलोड करने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लाइक अपलोड करना पड़ेगा अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है, और जो एज एंड एक्सपीरियंस विल बी रेकॉर्ड एज ऑन द लास्ट डेट फिक्स्ड ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि 15 फरवरी 2021 तक जो आपकी एज या एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो मैंने आपको बता दिया। अगर बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे जो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी बेनिफिट है, चाहे DA, HR या ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सारा यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा न्यू पेंशन स्कीम, रिलीव टेबल कंसेशन, री एम्बर्समेंट और मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स भी आपको यहाँ पे जो ये सारी जो बेनिफिट्स वो आपको मिलेंगे एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। ठीक है, तो अगर हम बात करें रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप CSIR की लैब या इंस्टीट्यूट में अगर आप काम कर रहे हैं, आपको 5 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिलैक्सेशन यहाँ पे है, तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैंने आपको बात डिस्कस कर लिए। अब देखिए अगर बात करें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको जो भी है ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 15 फरवरी 2021 है। तो आपको इसकी CSIR MTech की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें फी पेमेंट की, तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ का जो है फी पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मैंसन नहीं कर रखा है कि 500 आई थिंक मे बी सबके लिए, चाहे वो जनरल OBC ST SC अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन फी है वो कॉमन है 500 रुपीज़। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे जो है अपना सर्टिफिकेट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है,
अब बात करें चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट की, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपके पास होने चाहिए, जैसे एप्लीकेशन डाटा शीट, कलर फोटोग्राम, साइन अकॉर्डिंग फुल, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस, कॉपी ऑफ रिप्रिंट इफ एनी, डेट ऑफ इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट एज इन केस में भी विल डिस्प्ले ऑन द इमटेक वेबसाइट। तो यहाँ पे देखिए इन्हें 5 डॉक्यूमेंट्स बोले, ये सारे आपके पास होने चाहिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिटन टेस्ट या इंटरव्यू की डेट जो है वो सीएसआई की ऑफिशियल वेबसाइट इमटेक, सीएसआई इमटेक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।